अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फूड गैंग ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद का दिल। जी हां, जो फैसलाबाद का दिल है जनाह कलोनी गुलबर्ग रोड है। ये हम जनाह कलोनी में आज मौजूद है। ये सामने जो है नेशनल हॉस्पिटल है। ड्यूटी गोलगप्पे वाले ने एक नई जो है फखरिया पेशकश, थोड़े दिन हुए हैं नाज़रीन इन्होंने जो इफ्तिताह किया है मटके वाले पिज़्ज़े का, वो मटके में पिज़्ज़ा बनाते हैं ओवन लगा के, तो ये इनका बहुत मशहूर है। और आज इन्होंने ख़ास तौर पर बुलाया है कि दो और जो चीज़ें हैं पिज़्ज़े के मतलब वो आज इन्होंने तारफ़ करवानी है, इफ्तिताह करना है उसका, तो वो भी देखते हैं वो कौन सी दो चीज़ें हैं और इनका जो मटका पिज़्ज़ा है वो देखते हैं कैसे बनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? अब्दुल हफीज अतारी। भाई ये मटका पिज़्ज़ा बनाने लगे? जी सर। चलें ठीक है, आज आपकी दो चीज़ें और नई आ रही हैं। जी जी, चलो उनकी नाज़रीन बाद में वीडियो बनाते हैं। अच्छा भाई ने पूरा देसी माहौल जो है ना जरा वो बनाया घर वाला, सेम इस तरह लगता जिदा घर ही बैठे हैं तो मेहमान आए हैं, स्कूलों छुट्टियां हुई तो वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये भी कोई खास वजह वा? अगर तुम वे तवे से करो तो एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, कोई जायके का भी फर्क पैदा? यकीन पड़ता है सर। हाँ जी, मतलब देसी माहौल हो जाता फिर इस तवे का, तो उस तवे का भी थोड़ा टेस्ट का फर्क होना। ये फ्राइज है सर, बड़ा फ्राइज है। ये मटका पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। अच्छा ये मटके पिज़्ज़े का जो सामान है वो तैयार हो रहा है, वो इसके बाद करते हैं इंशाल्लाह नया जो ना। चलो ये जो हफीज भाई ने मैक्रोनी ऐड कर दी इसमें। हफीज भाई मैंने देखा है जो छोटी उम्र के हैं बच्चे वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसको। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब के ये सर कम कीमत में है तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, तो बहुत हैवी कीमत वाले जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अमीर अमीर लोग जाके खाते हैं। दूसरे बच्चों की ये चीज़ें ना वो ये बहुत लाइक करते हैं, ये मैक्रोनी हो गई, चिकन हो गया और वेजिटेबल जो डाला है आपने। जी बिल्कुल ऐसी है सर जी, आजकल बहुत ज़्यादा इन है मैक्रोनी वगैरह, बहुत ज़्यादा हर बंदा ही इसको लाइक कर रहा है, इस वजह से हमने पिज़्ज़े में भी ये ऐड कर दी है। पिज़्ज़े का ये मज़ा दुबाला कर देती है मैक्रोनी। ले जी ब्रेड जो है वो उसके पीस, क्योंकि ये नाज़रीन चम्मच के साथ खाना है आपने तो इसलिए मटके में। ये नाज़रीन जो हफीज़ भाई ने अपना जो कारोबार का सफ़र शुरू किया था वो गोलगप्पों से शुरू किया था। गर्मियों में इनके गोलगप्पे जो है बहुत मशहूर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने, और सर्दियों के मौसम में इन्होंने कहा कुछ नया लाया जाए तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं। मटका पिज़्ज़ा भी बहुत दूर दूर से खाने आते हैं। आज हम लोग ब्रेड पिज़्ज़ा लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद उसकी तैयारी है इंशाल्लाह, ब्रेड पिज़्ज़ा भी तैयार करते हैं अभी इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आज ब्रेड पिज़्ज़ा हफीज़ भाई बनाएंगे, उसकी भी तैयारी आपको दिखाते हैं। और
जी फीस भाई। अच्छा ये ना स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस है, सारा कमाल इसी का है। ये आपकी अपनी रेसिपी से बनी हुई है? ये हमारी अपनी रेसिपी है, ये स्पेशल है, पिज़्ज़े में सारा कमाल इसी का है। बाकी हर काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये मेन ये है, ये आपकी जो है खास रेसिपी ये है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से आते हैं। ये मटके पिज़्ज़े का मटेरियल तैयार हो गया है। सबसे पहले इसमें मटके मटेरियल जाएगा। फीस भाई ये इधर 300 का दे रहे हैं जी सर। तो अगर किसी ने पैक करवाना हो तो वो तो मटका साथ लेके जाएगा। मटका साथ देते हैं, उसके 50 रुपये ले लेते हैं। 350 हो गए, 350 रुपये हो गए सर। इसके ऊपर अब चीज़ जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर अलग से फिर चीज़ डाल? जी, अंदर भी चीज़ डाली है, इसके ऊपर भी जाएगी। ये इसके बाद इसके ऊपर चिकन जाएगा सर। इसके अंदर भी चिकन है, ये ऊपर भी चिकन है। अंदर भी ऐड किया था नाजरीन, आपने देखा, और ऊपर भी लगा रहे हैं चीज़ और चिकन जो है इजाफी। शिमला इसकी टॉपिंग के लिए थोड़ी सी शिमला, थोड़े से टमाटर, और ये हमारा मटका पिज़्ज़ा तैयार हो गया जी। ये आप ये ओवन में जाएगा। ओके जी। तो फीस भाई, अगर ये वैसे मटका लेके जाएं, ये आप जैसे आपने बनाया है जी, तो ये घर में जो ओवन है उसमें भी तैयार हो जाएगा जी? बिल्कुल हो सकते हैं सर। कितना टाइम लगेगा उधर? 7 मिनट लगेंगे। 7 मिनट में लगेगा? हाई पे। ठीक है। मतलब ये आप नाजरीन ले जाके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं जी, जब आपने खाना हो तो निकाल के ओवन कर सकते हैं। आपका जो है मटका पिज़्ज़ा तैयार हो गया। सही। अगर जाते जाते इधर से जाते जाते ठंडा हो जाता है तो 1-2 मिनट के लिए ओवन करें, इंशाल्लाह वो रेडी हो जाएगा। फिर रेडी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, तुसी कित्थों आए? असी कराची तो आए हैं। तो कराचियों आप पिज़्ज़ा खाने आए हैं? मटके वाला जी भाई का मटके वाला पिज़्ज़ा हमने टिकटॉक पे देखा था, तो हम लोग खाने आ गए पिज़्ज़ा। अच्छा, इतना मशहूर है ये? बस टेस्ट करने आए, अभी तो पहली दफ़ा खा के चेक कर रहे हैं। लोग खाओ पे खाते नहीं कि मेरे जान का इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप मैं नहीं खाता यार, मैं अपना लवाया स्पेशल आइटम आज इफ्तिताह हो रहा है वो लवाई है। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। ये भाई हैं आप दोनों? जी भाई है मेरा। इधर कहीं जॉब करते हैं या मेहमान आए हैं कहीं? मैं मेहमान आए। मेहमान आए हैं तो आपने उधर टिकटॉक देखी गई यार, इधर जना कलोनी में पलवान जो है हफीज़ भाई मटका लगाते हैं। जी जी, हमने टिकटॉक वगैरह देखी थी, तो टिकटॉक देख के तो हम लोग, इनके फोटो वगैरह हमारे पास थे,
उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। नहीं, ये तो मशहूर है, जनाह कलोनी है नाजरीन, ये जनाह कलोनी है, गुलबर्ग रोड है। हमें तो नहीं पता, हम तो खुद मुसाफिर हैं। तो ये हफीज भाई पहले गोलगप्पे लगाते थे और ये रेसिपी ले गए हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, तो शायद हमने देखा नहीं, बाकी लाइफ में पहली दफ़ा इनका माशाल्लाह ये मटके वाला पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वैसे हम लोग पिज़्ज़े तो आपको पता है पॉइंटर पॉइंट जाके खाते हैं, तो ये मटके वाला पिज़्ज़ा लाइफ में पहली दफ़ा खा रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है। आप ये चेक करें, इसके बाद वो बना रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, वो भी आप चेक करके जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, मटका पिज़्ज़ा खाना है? हाँ जी। कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट अच्छा हुआ, काफ़ी मज़ेदार है। फर्स्ट टाइम आए। कितने का दे रहे हैं? 300 रुपये का। 300 का मतलब एक बंदा इजी खा लेगा? बिल्कुल इजी, भूख लगी हो। हाँ जी। अगर चस्का लेना तो फिर दो बंदे का? दो बंदे भी खा लेंगे। हाँ, तुम किस जगह तो आए? असिया पिछे ही हैं, गोविंदपुरे से। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अगर तुम्हें मैं एक सवाल करा तो जवाब देना एक मिनट, तो मेरे वालों तुम्हें एक मटका होर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा दसो, वो कि चीज़ है जी अभी खाने वास्ते बाजारों लियाने पर खाते नहीं? खाने वास्ते बाजारों लियाने लेकिन खाते नहीं। टाइम शुरू होता दो स्क्रीन पर आ जाएगा। खाने वास्ते बाजारों लियाने लेकिन खाते नहीं। हर बंदा हर घर खाने वास्ते लिया लेकिन वो खाता नहीं। जुत्ती? यार जुत्ती नहीं यार। जुत्ती यार तुम कड़ा व्याया बंदा वा। हाँ बाहर होना कोई दसे पैसे खाने वास्ते लिया? पैसे तो खा ले है। और पैसे खा के हटे दो मटके खा ले, पैसे खाते गए। लो जी टाइम खत्म हो गया। वो वा प्लेट उन्होंने बर्तन क्या प्लेट बर्तन च सारा कुछ? नहीं बर्तन च सब कुछ आ जाता यार। हाँ मैं कह नहीं बहुत करीब पहुँच गए। अद्धा पिज़्ज़ा कहता बनता वाला है, कला मटका फिर लै लो बेच आप पवा लियो समान। ब्रेड पिज़्ज़े की ना ये यानी कि डो तैयार है, इसके अंदर अभी थोड़ी सी शिमला जाएगी ब्रेड पिज़्ज़े की। जी जी, जो दे टमाटर जाएंगे, प्याज भी दो यार। प्याज इसके अंदर चीज़ जाएगी। हफीज भाई, इससे पहले भी आपने कहीं लगाया कि ये फर्स्ट टाइम इधर शुरू किया? नहीं, इधर फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम इधर ही शुरू किया। ये रेसिपी आपके ख्याल में कैसी आई कि यार ये माहौल बनाना है, आवाम बहुत पसंद करती है? ये इस्लामाबाद की बेसिकली रेसिपी है। अच्छा। तो उधर से मैं पहले उधर से फिर इधर मैंने शिफ्ट की इस्लामाबाद। वो एक फूड स्ट्रीट है कराची कंपनी, एक और है राजा बाजार। जी जी जी। ऑयल करेंगे प्लेट को, इसके साथ भर देंगे। मुफीद भाई, इसके क्या प्राइस निकाले हैं? सर अभी मैं सोच रहा हूँ क्या निकाले, एस्टीमेट लगा रहे हैं जी। चले ठीक है, लगा ले। सर ये अभी ओवन में जाएगा। ठीक है, लगाएं जी इसको ओवन। नहीं जी नाजरीन, जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो तैयार हो चुका है। ये देखें,
ये ब्रेड पिज़्ज़ा वाजीवा। हफीज़ भाई आप इसका जो रेट कोई एस्टीमेट लगा के बताएं नाज़रीन, ये आज ये फर्स्ट जो है पहला जो पिज़्ज़ा इन्होंने बनाया है 300 के करीब करीब ही होगा। हाँ ये मटके के जो रेट है 300 उसके करीब ही होगा, कोई 20-40 ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे ज़्यादा ही होंगे। कितना माशाल्लाह जूसी बना है ये देखें, कितना नरम है। तो फीस भाई ये आप ही चेक करें पहले जी, क्योंकि आप अगर कोई इसमें हो कमी बताई तो वो आप दूर कर सकें, आप खुद भी चेक करें इसमें। ठीक है, गुड हो गया जी। चले जी ये आप खाएं पीस। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नरम, बहुत ही जूसी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आप ही चेक करके मुझे बताएं। चम... आप लें पूरा पीस। लें तो नाज़रीन जो हमारा मटका पिज़्ज़ा वो भी आ गया है, और जो ये नया हफीज़ भाई ने बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा वो भी आ गया है। फ्रेश पिज़्ज़ा देसी मौज। एक और पिज़्ज़ा ले मां। नाज़रीन भाई कैमरामैन कह नहीं रहा पास कर, चलो पास कर। हाँ 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 नाज़रीन आपको बड़ा मजा आएगा। ये भी मैं ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो मटका पिज़्ज़ा जो है बहुत फेमस है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ विज़िट करें इनका। नहीं तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई जगह पे नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।